दोस्तों, बिग बॉस ऑडिटी के घर में अगर आप भी विशाल पांडे और शिवानी कुमारी के फैंस हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, क्योंकि दोस्तों घर के अंदर इस समय विशाल पांडे, शिवानी कुमारी और लोकेश कटारिया के बीच में काफ़ी अच्छी बॉन्डिंग देखने को मिल रही है। जब से विशाल वाला कांड घर के अंदर हुआ है, तभी से घर के बाकी कंटेस्टेंट ने इन तीनों को बिल्कुल कॉर्नर कर दिया है। इनसे कोई भी सदस्य जो है वो बात तक नहीं कर रहा है इन तीनों से। इसी वजह से ये तीनों एक दूसरे के साथ ही एक अच्छी बॉन्डिंग शेयर कर रहे हैं, एक अच्छी दोस्ती निभा रहे हैं। और कहीं ना कहीं तीनों को एक साथ देखकर एक बार फिर से फैंस को जो है बिग बॉस ऑडिटी सीजन 2 की याद आ गई है, जहां पर फुकरा इंसान एल्विश यादव और मनीषा रानी की जो दोस्ती थी, कहीं ना कहीं फैंस को वो भी काफ़ी पसंद थी। और वही सीन एक बार फिर से इस समय घर के अंदर दिखाई दे रहा है। खैर, बात करें लाइव फीड की, तो यहाँ पर शिवानी कुमारी विशाल पांडे का साथ देते हुए दिखाई दे रही है। विशाल पांडे काफ़ी परेशान लग रहे हैं। तीनों एक दूसरे के साथ बैठे हुए थे और इसी बीच कटारिया ने पहले तो इन सभी से सवाल किया कि एक बात बताओ, आपको घर में जो है बिन पैंदे का लोटा कौन लगता है। जिसके बाद शिवानी कहती है कि यहाँ तो भाई सभी ना बिन पैंदे के लोटे ही हैं, सब ना कन्वीनियंस के हिसाब से दोस्ती रखते हैं, कभी भी पलट जाते हैं, अपनी बातों पे नहीं रहते। वहीं इसके बाद में यहाँ पर जो है शिवानी ने और कटारिया ने विशाल पांडे को परेशान देख कर कहा कि क्या हुआ, तू इतना परेशान क्यों है, तू ऐसे उदास से क्यों रहता है। जिसके बाद में यहाँ पर विशाल कहता है कि भाई इस बार ना हम तीनों नॉमिनेशन में हैं, ठीक है, और मेरे को अब ऐसा थोड़ा डर लग रहा है क्योंकि ये कांड हो गया ना घर के अंदर। अब मैं ऐसा डब्बा लेके अपने माथे पर ऐसे नहीं जाना चाहता। अब मुझे घर के अंदर कुछ दिन और रुकना है और अपने सिर पर लगा ये कलंक हटाना है और कुछ करके निकलना है यहाँ से। ऐसे नहीं जाना, मैं जाना चाहता हूँ लेकिन ऐसे इतने गंदे वे में नहीं जाना चाहता कि मेरे ऊपर इतना गंदा इल्ज़ाम लगे और उसके बाद मैं घर से बेघर हो जाऊँ। जिसके बाद में शिवानी कहती है कि देख, जनता जो देख रही है ना, जनता अपने आप देख लेगी कौन सही कौन गलत है, ठीक है, तू फालतू की टेंशन मत ले, सब अच्छा होगा। और हम तो भैया अब तो ट्रॉफी को लेकर ही जाएंगे, अब तो ट्रॉफी जीत कर ही जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, ये शिवानी की बातें हैं। शिवानी चाहती है कि अब जो है वो घर के बाकी सदस्यों को मुंह तोड़ जवाब देते हुए अपने जनता से इतना प्यार हासिल करना चाहती है कि अंत में ट्रॉफी उसी के हाथ आए। फिलहाल दोस्तों, आपको कैसे लगी यहाँ पर शिवानी और विशाल की ये दोस्ती, ये बॉन्डिंग, हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।